कोरोना महामारी की भयानक त्रासदी से संपूर्ण विश्व त्रस्त है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। इस महामारी ने विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि की व्यवस्थाओं को भी विचलित कर दिया है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था तो प्रभावित हो रही है, परंतु इन सभी के भवनों और प्रांगणों में भी छात्र छात्राओं और स्वच्छता के अभाव में लंबी घास, कंटीली झाड़ियों और जालों ने स्थान ले लिया है। सभी विद्यालय प्रशासन अपने अपने स्तर पर विद्यालयों की समय समय पर साफ सफाई करवा रहे हैं, ताकि इस सारी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, परंतु छात्रों के अभाव में कंटीली झाड़ियां, घास और जाले बार बार आ जाते हैं, जिससे विद्यालय प्रशासन का अतिरिक्त खर्चा पड़ जाता है। इसी समस्या का हल करने के लिए तरकेड़ी गांव के सभी युवाओं ने मिलकर मिसाल पेश करते हुए अपने गाँव के राजकीय प्राथमिक पाठशाला तरकेड़ी के प्रांगण को घास और कंटीली झाड़ियों से मुक्त करने का संकल्प लिया है, ताकि विद्यालय में साफ स्वच्छता भी बने रहे और विद्यालय प्रशासन पर अतिरिक्त खर्च का बोझ भी ना पड़े। जानकारी देते हुए गांव के युवक नरेश मलोटिया शास्त्री ने बताया कि गांव के युवाओं ने युवा फौजी नीरज शर्मा की अगुवाई में पूरे विद्यालय परिसर में लगी हुई फुलबैरी, जंगल बूटी, लंबी घास इत्यादि कंटीली झाड़ियों को काट कर साफ सफाई की। युवाओं का मानना है कि इन कंटीली झाड़ियों की वजह से विद्यालय परिसर के चारों तरफ जंगली जानवरों को छुपने के लिए जगह बन सकती है, जो कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अत्यंत घातक है। उन्होंने कहा कि विद्यालय हमारा मंदिर है और इसी मंदिर में हम सभी ने शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न पदों पर पहुंचकर रोजगार प्राप्त किया है। आज भयानक महामारी के दौरान इस मंदिर की साफ सफाई, देख रेख इत्यादि हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है, और ऐसा करना हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय है। विदित रहे कि साफ सफाई करने वाले सभी युवाओं ने इसी विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है और आज विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी पदों पर कार्यरत होकर देश और प्रदेश में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपनी छुट्टियों के दौरान भी सामाजिक कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके महामारी से लड़ने के लिए युवा प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। सभी युवाओं ने आह्वान किया कि इस महामारी के संकट के समय में देश और प्रदेश के सभी विद्यालयों को अपने पूर्व छात्र छात्राओं के सहयोग की अपेक्षा है, ताकि हम सभी अपने अपने नजदीकी विद्यालय को स्वच्छ रखकर अपनी गुरु दक्षिणा समर्पित कर सकें। इस उपलक्ष्य पर नीरज शर्मा सहित सुशील कुमार, मुकेश कुमार, अमन मलोटिया, विनय वरुण, अमन, शुभम मलोटिया, काका सच्चू, अभय शर्मा, अंकु, अक्षय शर्मा, सागर, राजू इत्यादि उपस्थित रहे।